दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि नेपाल का करेंसी कैसा होता है, मतलब इंडियन जैसा ही रहता है या अलग रहता है। तो आपको बता दें, यही नोट है, बाकी इंडिया का 100 रुपया यहाँ पे 160 रुपया बनता है। मतलब अगर इंडिया का आप 100 रुपया लेके आइएगा तो नेपाल में आपको 160 रुपये मिल जाएगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो स्वागत है फिर से हमारे एक नए ट्रैकिंग ब्लॉक में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि शनिवार होने की वजह से हमारी गाड़ी खाली नहीं हो पाया था, क्योंकि नेपाल में सैटरडे को वीकली हॉलीडे रहता है, तो उसके वजह से हम लोग का गाड़ी दिन भर सिद्धार्थ हार्डवेयर के पार्किंग में ही खड़ा रह गया था। तो फिलहाल सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और रात भर ही बहुत ही बारिश हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है, सुबह सुबह है इसका व्यू, इतना सारा बारिश हो रहा है, एकदम रात भर बारिश हुआ है एकदम। फिलहाल आज संडे है तो आज वर्कशॉप खुलेगा, तो आज हम लोग का गाड़ी खाली हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे सारा स्टाफ लोग आएगा और हाइड्रा ऑपरेटर भी आ जाएगा। तो फिलहाल भाइयों, अभी हम लोग जाकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद खाना वगैरह हम लोग बनाएंगे। दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग का खाना बनने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, क्योंकि 10 बजे हम लोग का गाड़ी खाली होना है और सारा स्टाफ लोग भी आएगा, हाइड्रा ऑपरेटर वगैरह। तो ये देख सकते हैं, इसमें चावल हमने चढ़ा दिया है और आज हम लोग आलू और ये परवल, इसी का सब्जी बनाने वाले हैं। तो चावल बनने के बाद पहले आलू को पहले हम लोग बॉयल कर लेंगे और ये परवल को छोटा छोटा काट के पहले इसको तेल में तल लेंगे, उसके बाद ही हम लोग का सब्जी बनेगा। फिलहाल परवल को छील लेते हैं बढ़िया से। दोस्तों, चावल हमारा बन चुका है, ये देख सकते हैं, 5 मिनट और लगेगा इसमें। और इधर परवल भी काट लिए हैं, आलू बॉयल करेंगे कुकर में, और इधर हम लोग प्याज काट रहे हैं, और उधर धर्मेंद्र जो है वो लहसुन को छील दे रहा है, तो लहसुन को छील दे रहा है। बाकी इसमें प्याज काट लेते हैं जितना सब्जी में ज़रूरत है, प्याज उतरेगा, उसके बाद परवल को बॉयल करेंगे और आलू बॉयल करेंगे, उसके बाद सब्जी बन जाएगा हमारा। दोस्तों, चावल हमारा बन चुका है, ये देख सकते हैं, पूरा फ्रेश हो गया है चावल बन के। और इसमें आलू हम लोग बॉयल कर दिए हैं, 5-6 सीटी मार के उसको उतार दिए हैं, और ये कढ़ाई हम लोग चढ़ा दिए हैं चूल्हा पे, और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो ये परवल को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने में 10 मिनट लगेगा इसको। दोस्तों, ये लहसुन और मिर्चा को थोड़ा कूट देते हैं, क्योंकि उधर परवल मेरा बॉयल हो रहा है उधर, तो इसको थोड़ा कूट देंगे। कूटने के बाद सारा मसाला इसमें डाल देंगे, बाकी उधर मेरा सब्जी भी बॉयल हो रहा है तेल में मस्त एकदम, बाकी इधर कूट के एकदम महीन कर देंगे एकदम। दोस्तों, परवल को हमने बाहर निकाल दिया था फ्राई करके, अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो तेज पत्ता डाल दे रहे हैं पहले, उसके बाद ये प्याज डाल के इसको लाल करेंगे थोड़ा, उसके बाद ये पिसा हुआ जो मसाला है वो डालेंगे इसमें। दोस्तों, हमारा प्याज अच्छी तरह से लाल हो चुका है, फ्राई हो चुका है, अब इसमें मिक्स मसाला और सारा लहसुन मिर्चा जो कूटे हुए थे वो डाल दे रहे हैं इसमें। अब इसको 10 मिनट तक बढ़िया से इसको तेल और प्याज के साथ में भूनेंगे इसको बढ़िया से, ये पूरा तेल छोड़ देगा। दोस्तों, हमारा मसाला बढ़िया से तेल में फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये जो है आलू, अब आलू के साथ में भूनेंगे। दस मिनट तक आलू के साथ भूनने के बाद इसका पूरा मसाला आलू में मिक्स हो जाएगा। ये परवल भी डाल दे रहे हैं जो फ्राई किए थे, ये साथ में भूनेंगे इसको 10 मिनट तक। इसके बाद ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से मेरा आलू और परवल फ्राई हो चुका है मसाला के साथ में, ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। और हम लोग ग्रेवी के लिए पानी डाल रहे हैं, अब इसको बढ़िया से चला देंगे और 10 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे, हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा सब्जी रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं मस्त कलर में आ गया है, अब हम लोग मुंह धो के खाना खाने का तैयारी करेंगे। दोस्तों, दिन के 11 बज चुके हैं और हमारा खाना तो बन के गाड़ी पे रखा ही गया था, तो अब हम लोग खाने का तैयारी करते हैं।
तो आप देख सकते हैं दोनों थाली में हमने खाना निकाल लिया है, आलू दम और परवल का सब्जी और चावल। तो आज हम लोग का भोजन दोपहर का यही होगा दोस्तों, क्योंकि दाल वगैरह ख़त्म हो गया था और परवल बचा हुआ था, सोचे कि चलो आज यही सब्जी बना लेते हैं। बाकी खाना तो हम ही बनाए हैं, धर्मेंद्र तो सिर्फ सहयोग किया है। तो देखते हैं आज खाना कैसा बनता है हमारे हाथ का। खाना ठीक है लेकिन थोड़ा नमक कम पड़ गया। हम लोग नमक ज़्यादा नहीं डालते इसलिए कि ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत हो जाता है, कम रहेगा तो ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है भाइयों, और हमारा गाड़ी भी अब खाली होने वाला है, खाना खा के तिरपाल खोलेंगे उसके बाद गाड़ी भी खाली कर लेंगे। हाँ तो भाइयों, हम लोगों ने खाना बना लिया था और अभी गाड़ी खाली होने में टाइम है, तो भैया बोले खाना खा के टाइट रहो। तो आप देख सकते हैं भैया आज बनाए हैं आलू पटल का सब्जी चावल, खा के देखते हैं कैसा लगता है। भैया बोले कि मस्त लग रहा है। मस्त भैया का लाजवाब एकदम, भैया का हाथ में जादू है दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारा रस्सी तिरपाल खुल गया है और धर्मेंद्र जो है तिरपाल को नीचे गिरा रहा है। तो दिन के एक बज चुके हैं, अब हमारा गाड़ी खाली होना शुरू हो गया है। हमने रस्सी और तिरपाल खोल दिया है, अब धर्मेंद्र जो है बत्ता को हटा रहा है। तो आप देख सकते हैं यही माल हम लोग रांची से लेकर आए थे, अब हैडरा आएगा तो ही खाली होगा, और हैडरा से वहाँ जो टायर रखा हुआ वहाँ पर माल रखाएगा। ठीक है भाइयों, तो हैडरा का वेट कर रहे हैं, आ जाएगा थोड़ा देर में तो खाली होगा। दोस्तों बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि नेपाल का करेंसी कैसा होता है, मतलब इंडियन जैसा ही रहता है या अलग रहता है। तो आपको बता दें, जिस तरह इंडिया में चलता है 1000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, उसी तरह नेपाल का भी नोट सेम टू सेम है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास नेपाली करेंसी है, तो आप देख सकते हैं ये 50 का नोट है, ये देखिए ये 50 का नोट है, और ये 20 का नोट है, और ये 5 का नोट है। तो कोई अंतर नहीं है, इंडिया और नेपाल के करेंसी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसका कलर का चेंज है, बाकी नोट सेम टू सेम ही है। बस यहाँ का नेपाल में लिखा हुआ है नेपाल राष्ट्र बैंक, और इसका जो मार्का है वो 12 सिंघा हिरन का डाला हुआ है, तो यही अंतर है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 50 50, 100 200, इधर 300, इधर देखिए 20 40, ये 45, इधर 65, 265 रुपया हमारे पास नेपाली करेंसी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए यही नोट है, बाकी इंडिया का 100 रुपया यहाँ पे 160 रुपया बनता है, मतलब अगर इंडिया का आप 100 रुपया लेके आइएगा तो नेपाल में आपको 160 रुपया मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये नोट। ठीक है भाई, अब आप लोगों को समझ में आ गया नेपाल का करेंसी कैसे है बोल के। फाइनली दोस्तों हमारा गाड़ी खाली होना शुरू हो चुका है, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इधर हैडरा जो है उधर माल रख रहा है सामने, तो हमारा गाड़ी आधा घंटा लगेगा और खाली होने में। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी तक हमारा गाड़ी आधा ही खाली हुआ है, क्योंकि रांची में 2 तरह का माल लोड हुआ था, एक ऐसे नंगा तार था और एक वाइट बोरी में पैक था। तो आधा माल खाली कर दिया है और आधा माल अभी बाकी है, बाकी हैडरा वाला किधर गया क्या मालूम, समझ में नहीं आ रहा है। 1-2 बंडल खाली करता है फिर इधर उधर चला जाता है, तो आज दिन भर भी लगता है हम लोग का समय बर्बाद होने वाला है। शाम 5 बज ही चुका है और यहाँ से 25 किलोमीटर आगे हमको बॉर्डर भी जाना था, और ट्रैफिक पुलिस वाला मेरा जो RC रख लिया गाड़ी का, तो 1000 रुपये नेपाली पैसा जो हमको बैंक में भी जमा करना है। तो आज तो दिन लगता है पूरा निकल गया है, अब लगता है कल ही पैसा हम लोग जमा कर पाएंगे और RC अपना गाड़ी छोड़ा पाएंगे। फिलहाल देखते हैं कब तक खाली गाड़ी करता है, उसके बाद फिर यहाँ लेके भैरवा बॉर्डर पर निकलेंगे गाड़ी हम लोग। दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी अभी हमारा गाड़ी खाली हुआ हैडरा से, तो अब यहाँ से हमको रिसीविंग मिल चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये नेपाल से बाहर निकले का एक्सेप्ट पेपर है,
तो हम लोग यहाँ से अब भैरहवा जाएंगे, वहाँ पे इनका एक और हार्डवेयर का दुकान है, तो वहाँ हमको 10,000 रुपये भाड़ा भी लेना है। तो फिलहाल यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है, तो पहले वहीं पर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि शाम भी हो गया तो अब हार्डवेयर दुकान बंद होने का भी समय हो गया, तो जाकर वहाँ देखते हैं भाड़ा हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी आगे वहाँ देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि आज हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग। दोस्तों जब वहाँ भोटवाल से हम लोग निकले गाड़ी खाली करके, तो बहुत ही बारिश शुरू हो चुका था, तो बारिश में ही हम लोग 20 किलोमीटर आ गया है और काटा भी करवा लिए हैं। जब यहाँ पे भैरहवा में जब आए उनका दूसरा वर्कशॉप में भाड़ा लेने के लिए और काटा पर्ची जमा करने के लिए, तो यहाँ पे बंद हो चुका था, मतलब शाम को 7 बजे इधर नेपाल में बंद हो जाता है सारा दुकान। तो फिलहाल रात भर हम लोग को गाड़ी यहीं पर होल्ड करना पड़ रहा है, और कल जो है आरसी भी हम लोगों को ट्रैफिक पुलिस से छुड़ाना है। तो फिलहाल खाना बनाने का समय हो गया है, तो धर्मेंद्र जो है वो आटा सान के रोटी बना लेगा, और दोपहर का सब्जी आलू परवल का जो बचा हुआ है, खैर कोई नहीं, दोपहर का सब्जी काम आ जाएगा, फिर अभी हम लोग को रोटी बनाना है। हाँ तो भाइयों, हमने खाना बनाने का तैयारी कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं रोटी बेल रहा हूँ, और 7-8 रोटी मैंने बेल लिया है। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप कि धर्मेंद्र जो है रोटी बना दिया है, और दोपहर का जो हम लोग आलू और परवल का जो सब्जी था तो वही बच गया था, तो इसको हमने फ्राई कर दिया है। तो आज रात का भाई हमारा खाना यही हो रहा है, और शाम को वहाँ से चले थे तो आप लोग देख ही रहे थे कि पूरा बारिश हो रहा था, तो यहाँ आते आते 8 बज गया था, तो दोपहर का सब्जी था तो इसी को यूज कर लिए हम लोग। ठीक है, खैर कोई नहीं, इसी खाते हैं आज। बाकी कल 10 बजे हम लोग इंडिया में निकल ही जाएंगे, यहाँ पे 10,000 रुपये भाड़ा लेना है, और आरसी जो ले लिया ट्रैफिक पुलिस नेपाल वाला वो छुड़ाना है, दो काम हो ही जाएगा जल्दी। ठीक है भाइयों, खाना खा लेते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, और हम लोग का खाना पीना सारा हो चुका है रात वाला, तो आप लोग को पता ही है कि शाम को खाली हुआ था हमारा गाड़ी, यहाँ भैरवा आते आते रात बज गया था 8, तो यहाँ वर्कशॉप बंद हो गया था क्योंकि हम लोग का यहाँ भाड़ा लेना था, तो कल सुबह में 10 बजे जब वर्कशॉप खुलेगा तो भाड़ा हम लोग को मिलेगा, कल ही हम लोग इंडिया से नेपाल से इंडिया निकल पाएंगे। तो रात काफ़ी हो चुका है, इस ब्लॉग को अब यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।